हेलो, वेलकम बैक। पंच स्कूल के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है जावा। यहाँ पर मैं आपको जावा प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहला क्लास जावा का देख लेते हैं। हम लोग आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम आज के इस वीडियो में जावा के बारे में जानेंगे शुरुआत में। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे जावा के प्रोग्रामिंग को कैसे करते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे, उसके बाद ही हम जावा में वर्क करने की कैपेबल होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है जावा। तो जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि देखिए, कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा को नहीं समझता, कंप्यूटर अपनी भाषा को समझता है। उस भाषा को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की भाषा को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं जानता। हमारी भाषा कहलाता है हाई लेवल लैंग्वेज। जब भी हम अपने भाषा को अपने कंप्यूटर की भाषा में बदलते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर दो तरह का होता है, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क इतना होता है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, जबकि इंटरप्रेटर हमारा लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ये डिफरेंसेस यहाँ पर है। ये लैंग्वेज प्रोसेसर है और लैंग्वेज प्रोसेसर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं, सॉफ्टवेयर का वर्क क्या होता है और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को कहते हैं। जब एक साथ कई सारे प्रोग्राम वर्क होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आखिर बनता कैसे? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से बनता है। प्रोग्राम कैसे बनता है? प्रोग्राम बनता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कई सारे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज है। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज है। एंड फोर्थ जनरेशन की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज है। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पर अभी वर्क चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पर अभी वर्क चल रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पांच तरीके के हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। तो इन सभी लैंग्वेज में अब इजी हमारे लिए कौन सा है? तो ऑब्वियसली बात है, जब हम अपनी भाषा को यूज करेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो हमारे लिए इजी होगा। तो हमारे लिए इजी होगा हाई लेवल लैंग्वेज और वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अभी वर्क चल रहा है, उस पर अभी उतना हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, क्योंकि अभी इस पर रिसर्च चल रही है। तो वेरी हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ बात आती है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो हमारी भाषा को यूज करता है। और जो वेरी हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसमें क्या होता है? देखिए वेरी हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेज को एकदम शॉर्ट करने की कोशिश की गई है। और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि हमें हर चीज़ को डिफाइन करना पड़ता था, इस वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती थी। इसको इम्प्रूव किया गया फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसमें हमें कम से कम यूजेस करने पड़ते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए ये जावा, तो ये जावा किस कैटेगरी में आता है, किस जनरेशन का लैंग्वेज है? तो आपको पता होना चाहिए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। तो अब बात करते हैं जावा की शुरुआत कब हुई। तो जावा की शुरुआत हुई जून 1991 में। एक कंपनी थी जिसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम, जिस कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम। और उस कंपनी के जो हेड थे, जो फाउंडर थे, वो थे जेम्स कॉस्लिंग और पैट्रिक न्यूटन। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने ये जावा की शुरुआत की थी। अब जावा की शुरुआत होने के बाद एक कंपनी जिसका नाम था ओरेकल कॉर्पोरेशन, उसने उसको एक्वायर कर दिया, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा बढ़ गई, इसकी डिमांड जो है और ज़्यादा बढ़ गई। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप यूनिक्स, लिनक्स, उबंटू जैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, उन सभी में भी जावा का यूज़ हुआ गया है। इवन हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें भी जावा का यूज़ होता है। जावा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी एक टैगलाइन थी कि राइट वंस एंड सेंड इट एवरीवेयर, यानी कि
अगर आप एक बार लिखेंगे तो आप कहीं पर भी इसको रन करा सकते हैं, रन एवरीवेयर, राइट वंस रन एवरीवेयर, ये उनकी टैगलाइन थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन ये आपको बताती है कि जावा कितना ज़्यादा जरूरी लैंग्वेज, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकबोन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा है। तो अब बात करते हैं कि ये जावा में ऐसा क्या है कि ये सबको ये सबसे खास बनाता है इसको। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है जो कि फोकस करता है हमें हमारे सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर हम बहुत लेंथी तरीके से सॉल्व करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट आवर सोल्यूशन। ये हमारे लिए बहुत कठिन होगा कि हम अपने सोल्यूशन को पा सकें। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बने बनाए हैं तो हमें बहुत ईजी होगा, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये फोकस करता है कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे सोल्यूशन को ईजी आसानी से पा सके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फायदा क्या होता है कि वो हमारे प्रोसीजर जो सोल्यूशन होते हैं उसको प्रोसीजर वे में करता है और हमारे सोल्यूशन को ईजिली फाइंड आउट कर देता है। जब भी किसी भी सोल्यूशन को ईजिली फाइंड आउट कर देता है तो इस मैथड को हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, इसे कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। जब भी कोई भी सोल्यूशन हमारा प्रोसीजर होता है, एक सीरीज वाइज होता है, एक क्रम से होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। तो इस तरह से ये सॉल्व होता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच मतलब ये एक छोटे 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 प्रोग्राम को मिला करके एक बड़ा प्रोग्राम हम बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होगा तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, पहली तो होती है ऑब्जेक्ट, पहली क्या होती है ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है क्लास। ऑब्जेक्ट एंड क्लास दो चीज़ होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी एक चीज़ मान लीजिए ये है मार्कर, ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है। तो मार्क तो ये ऑब्जेक्ट एक एंटिटी होता है, एक क्या होता है एंटिटी होता है, एक वस्तु होती है, एक चीज़ होती है जिसकी कुछ आइडेंटिटी होती है, जिसकी कोई पहचान होती है, जिसके कुछ कैरेक्टर होते हैं और जिसके कुछ बिहेवियर होते हैं, जिसकी कुछ आइडेंटिटी होती है, जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और जिसके कुछ बिहेवियर होते हैं, जिससे हम उससे पहचान सकते हैं कि वो क्या क्या काम कर सकता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो ये हम बड़ी आसानी से बात बता सकते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी बिहेवियर क्या है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मार्कर है, ये ब्लैक कलर का लिखता है, ये छोटे में है या आकार में छोटा है, ठीक है, इससे हम साफ सुथरे तरीके से लिख सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि हम इसको वाइप से वाइप इजीली कर सकते हैं अगर हम बोर्ड पे लिखते हैं। तो ये इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, तो इजीली हम इसके बिहेवियर, इसकी आइडेंटिटी से हम बता सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, जैसे सीलिंग फैन, अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है सीलिंग फैन, ठीक है, तो सीलिंग फैन को आप देख करके क्या कह सकते हैं कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके तीन पंखे हैं, इसके कितने पंखे हैं, इसके तीन पंखे हैं, उसके बाद इसमें मोटर लगा हुआ है, इसमें रॉड लगा हुआ है, ये इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम इसको बता सकते हैं। इसका बिहेवियर क्या है, ये घूमता है हवा देता है, ये इसकी बिहेवियर है जिससे हम पहचान पा रहे हैं कि इसके अंदर बिहेवियर क्या है, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का ये क्या कहना चाह रहा है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम ये तो था किसी एक चीज़ का ऑब्जेक्ट में पता लगाना, लेकिन अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर की, क्योंकि हमें तो फाइनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है तो हमें सॉफ्टवेयर के बारे में जानना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट की बात है, सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारा स्टेट, एक होता है हमारा बिहेवियर। एक होता है स्टेट, एक होता है बिहेवियर। स्टेट क्या होता है, तो देखिए जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया कि ए के पास एक पर्सन है, उसने 10 रुपये का कोई सामान खरीदा, ठीक है, बी ने वही सामान को 20 रुपये में खरीदा, तो पूछे कौन ज़्यादा है, तो हमने बोली है ए 10 रुपये में कमाता है, बी 20 रुपये में कमाता है, विच वन इज हाई है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं या लेस देन का साइन लगा सकते हैं। तो हमने ए और बी को डिफाइन किया किसी एक वैल्यू के साथ, तो जो वैल्यू के साथ हम किसी एक लेटर को डिफाइन करते हैं जो कि एक अनोन वैल्यू डिफाइन करता है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ पर एक ये स्टेट है उस ऑब्जेक्ट का,
बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर, अगर उसके बिहेवियर की बात करें तो हम वहाँ पर फंक्शन को लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई चीज़ ऐड करना है तो हम सम फंक्शन लगा देंगे, अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का निशान लगा देंगे, अगर हमको डिवाइड करना है तो डिवाइड का निशान लगा देंगे। तो ये सभी क्या है, ये सभी फंक्शन है जिसकी मदद से हम एक प्रॉपर कैलकुलेशन को परफॉर्म कर पाते हैं। तो यही सारे फंक्शन हमारे जो होते हैं वो बिहेवियर कहलाते हैं सॉफ्टवेयर में, वो ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं। अब इसे हम जावा में मेथड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेथड के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि दो चीज़ें हमने बताई कि एक ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ होती है स्टेट ऑफ बिहेवियर, और हम जानते हैं क्लास के बारे में। क्लास क्या होता है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, दो ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ एक जैसी खासियत होगी, किसी में कोई चीज़ होगी किसी दूसरे में सेम वही चीज़ होंगी, तो एक सेम कैरेक्टरिस्टिक और सेम बिहेवियर को हम क्लास कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी है जिसका नाम है, एक कार है होंडा सिटी नाम की कार होती है। अब होंडा सिटी की जो है मान लीजिए मेरे पास है, आपके पास है, किसी तीसरे के पास भी है, सबके पास मान लीजिए दो तीन लोगों के पास होंडा सिटी कार है। लेकिन एक चीज़ हम ध्यान देंगे उसमें, कार तो सबमें कॉमन है, ठीक है, कार तो सबमें कॉमन है, तो हम कह सकते हैं ये सभी कैरेक्टरिस्टिक, इन सभी का जो कार है कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं वो एक क्लास में, किस क्लास में? होंडा सिटी क्लास में। लेकिन उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट है। कैसे आइडेंटिटी डिफरेंट है? देखिए, उन सभी कार के अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, किसी का UB53 होगा, किसी का MH होगा, किसी का DL होगा, तो इस तरह से अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, तो जिससे हम बोल सकते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, डिफरेंस है। तो उसकी आइडेंटिटी डिफरेंस है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर कॉमन है, जिसे हम क्लास कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉग है, ठीक है, डॉग, तो डॉग जो है वो कई सारे उसके नाम रख सकते हैं, कोई टॉमी रखता है, कोई लियो रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई कुछ रखता है, तो इस तरह सभी जो है अलग अलग नेम, सभी के नेम नेम जो है भले अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो क्लास है उससे वो क्या है? डॉग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास क्या होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हम बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। क्या बात करते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? देखिए, एब्स्ट्रैक्शन वो चीज़ें होती हैं जो हमें एसेंशियल चीज़ों के बारे में काम तो कराती है, बिना उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए। जैसे मान लीजिए आप अक्सर देखते होंगे फैन ऑन करने के लिए आप स्विच बोर्ड से स्विच दबाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके अंदर कैसी सर्किट बनी हुई है, किस तरह से वायर लगे हुए हैं, कैसे? आप फ्रिज यूज करते हैं लेकिन आपको पता है फ्रिज बनता कैसे? आप टीवी देखते हैं बट आपको पता है टीवी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं? आप कंप्यूटर यूज करते हैं लेकिन आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर किस तरह के कंपोनेंट लगे हैं, कौन कौन से चिप लगे हुए हैं, क्या है क्या नहीं है? ये चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं लेकिन फिर भी आप यूज़ करते हैं। तो आपको एसेंशियल चीज़ें यूज कर रहे हैं बिना उसके बैकग्राउंड के बारे में जाने, तो इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो आई होप आपको समझ में आया होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन होता है कि कई सारे डेटा, जैसे हमारे पास एक डेटा, दो डेटा, तीन डेटा, सभी डेटा को एक साथ ही कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट में लिख देते हैं। जैसे हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, हमारे पास सी, सबको एक साथ लिख करके हमने एक डेटा बना दिया ए, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इनकैप्सुलेशन। हमने अलग अलग छोटे 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 प्रोग्राम को एक साथ कर दिया, ये क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशन कहलाता है। जैसे इनकैप्सुलेशन में आप डेटा को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, इसका मतलब क्या है? पब्लिक मतलब सबको आप दिखाना चाहते हैं तो पब्लिक कर देंगे, प्राइवेट यानी खुद देखना चाहते हैं तो प्राइवेट कर देंगे, और प्रोटेक्टेड कर देंगे कि जिसको पासवर्ड पता होगा वही एंटर कर सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई एंटर नहीं कर सकता, वही देख सकता है जिसके पास पासवर्ड है, तो इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टेड। तो इनकैप्सुलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक है, आपके अंदर कोई खूबी है, तो आपने दूसरे की खूबी को अपने में ग्रहण कर लिया, दूसरे को देखा दूसरा अच्छा काम कर रहा, उसने आपको उससे आप कुछ क्वालिटी को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? दूसरे की क्वालिटी को अपने अंदर
इनहेरिट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसे आपको अगर किसी चीज को आप इनहेरिटेंस कर, जैसे मान लीजिए कार है, क्या है, कार है, कार, कार की, कार जो है किससे इनहेरिट हुआ है, किससे बना है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी ने कार को बनाया, तो कार ने अपने कुछ पार्ट्स के फीचर्स को ऑटोमोबाइल कंपनी से लिया। लेकिन ये ऑटोमोबाइल किसका पार्ट है, व्हीकल का है, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जो व्हीकल है वो उससे इनहेरिट होके आया है कार, ठीक है। तो इसे हम ये एग्जांपल से हम समझ सकते हैं क्या होता है इनहेरिटेंस, व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद है हमारा लास्ट है पॉलीमराइज, पॉलीमेरिज, पॉलीमेरिज। अब देखिए पॉली का मतलब होता है केस, जो कई कई खूबियां रखता है, जो कई किस्म के काम करता है, वो हमें पॉलीमेरिज्म कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक मैसेज है जिसको हम ऑब्जेक्ट में भेज रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट क्लास का है, लेकिन जब हम उसको भेजते हैं तो वो उसे दूसरे तरीके से परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपने फाइल को 7 के साथ जोड़ा तो आपके पास आंसर कितना आया, आपके पास आंसर आया 12। फाइल को 7 के साथ जोड़ा तो आपको आंसर आया 12। लेकिन अगर वही आपने इन्वर्टेड कॉमा के साथ अगर जोड़ा तो ये आपका 12 नहीं करेगा, या किसी नंबर को ऐड नहीं करेगा, आप इसको क्या कर देगा, ए बी कर देगा, यानी कि ये लेटर को जोड़ देगा, लेटर को एक साथ जोड़ देगा। जब भी दो लेटर जो एल टेक्स्ट अगर आपस में जुड़ जाता है, इसे हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन, इसे हम क्या कहते हैं, कॉनकैटिनेशन। तो ये जो कॉनकैटिनेशन हुआ यहाँ पे तो कैलकुलेट हुआ, बट यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं हुआ, ये कॉनकैटिनेट हो गया, एक साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट क्लास में पास तो हो रहा है, बट इसकी जो वे है, जो सॉल्व करने की वे है, वो चेंज हो गई। यानी एक ही वैल्यू, एक ही मैसेज को दूसरे क्लास में भेजने पर उसकी जो वे ऑफ कैलकुलेटिंग है वो डिफरेंट हो जा रही है, अलग हो जा रही है। इसे हम कहते हैं पॉलीमेरिज्म, पॉलीमेरिज्म। तो आई होप आपको यहाँ पर जावा का कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर है, क्या है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त, मिलूंगा यूट्यूब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।